साथियों नमस्कार, मैं दीपक चौधरी पार्षद बल्लभगढ़ से। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विशेष रूप से मुख्य बाजार में पिछले 4-5 दिन में कई बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से। और ये सभी घटनाएं एक बहुत ही छोटे अंतराल के समय में हुई, 4-5 दिन के अंदर, एक सुबह हुई, एक शाम को हुई, लगातार इस तरह की घटनाएं हुई। लोगों ने अपनी शिकायतें प्रशासन को दी, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की जो कामयाबी है पुलिस को इन अपराधियों को पकड़ने में नहीं मिली। इन सारी चीजों को देखते हुए जो बाजार के जो व्यापारी गण हैं, उन लोगों ने अभी 2 दिन पहले अग्रसेन चौक के ऊपर एक शांतिपूर्वक एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मौके पर जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, वो पहुंचे। और आज अभी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ पत्रकार साथियों के माध्यम से जब पता चला कि वहां पर उस शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने पर उन व्यापारियों के खिलाफ मास्क ना लगाने, भीड़ इकट्ठी करने जैसी धाराएं लगाकर उन पर FIR दर्ज कर दी गई। साथियों, मैं मानता हूं कि सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है, और कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें हैं वो लोगों का प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास खत्म करने का काम करती है। अभी कुछ दिन पहले, इससे पहले बाजार में कुछ महिलाओं ने पानी की मांग को लेकर रोड पर इकट्ठी हो गई थी, तब भी उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई थी। मेरा आप सब लोगों से, क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि अगर इस तरीके से हम सब लोगों के ऊपर, कभी पानी मांगने के ऊपर और कभी चोरी डकैती का विरोध करने के ऊपर अगर इस तरीके से FIR दर्ज होंगी, तो हम लोग इस शहर में कैसे रह पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है हम सबकी सुरक्षा को लेकर। मैं आप सब लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जल्द ही हम लोग आप सभी से इस बात पर विचार विमर्श करके हम अपने कमिश्नर साहब से मिलेंगे, और इस बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी तक पहुंचाने का काम करेंगे कि किस तरीके से शहर के लोगों के साथ जो अमानवीय जो व्यवहार किया जा रहा है, वो तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि पहले चोरी हो हम लोगों के ऊपर, डकैती हो, व्यापारियों की पिटाई हो, और जब उसका विरोध किया जाए तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो इस तरह की तानाशाही और प्रशासन का जो ये रवैया है, इसको कहीं भी किसी तरीके से क्षेत्र की जनता व व्यापारी सहन नहीं करेंगे। और मैं फिर एक बार प्रशासन को इस बात के लिए चेताना चाहता हूं कि जो व्यवहार है लोगों के साथ, ये बिल्कुल गलत है, और इस तरह की चीजें अगर लोगों के साथ चलती रही तो निश्चित रूप से लोग, अभी 50 इकट्ठे हुए हैं, फिर ये 10,000 भी इकट्ठे होंगे, और ये पूरा शहर भी इकट्ठा होगा, और इन चीजों के खिलाफ हम सब लोग मिलकर लड़ने का काम करेंगे। ऐसी चीजों को इस बल्लभगढ़ क्षेत्र में बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, और इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो अपनी मर्जी से जो तानाशाही रवैया लोगों के साथ अपनाने का जो काम कर रहे हैं, इसकी शिकायत जो सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अगर कार्रवाई नहीं हुई इन लोगों के खिलाफ, तो हम सब लोग मिलकर, ये तो बहुत छोटा प्रदर्शन था, हम लोग आने वाले समय में बड़े प्रदर्शन भी करेंगे।